बस बस हटो, नहीं सुन रहे। गोली मारो अब, बाय बोल के निकल जाओ। बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सहरी का टाइम हो रहा है, मैं बस सहरी बनाने के लिए उठी हूँ। टाइम हो रहा है 3:30। दूध बॉयल कर रही हूँ, बस अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। रात में मैंने कटलेट्स रेडी करके रख दिए थे, बस अब मैं इनको फ्राई करूँगी। चलिए मैं सहरी बनाती हूँ, मिलते हैं आपको सहरी करते हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियोस को एंजॉय करें। कटलेट फ्राई हो रहे हैं, चिकन और आलू के कटलेट्स बनाए। बाकी मैं ये फेनी बना रही हूँ, बस भिगोऊंगी दूध। मैंने चीनी डिजॉल्व कर ली है, बस अब मैं फेनी भिगोऊंगी, फिर हम सहरी करेंगे। ऐसे पहने चले, लाफेस लाफेस। गैस जाने की वजह से मैं बच्चे की चाय सुबह ही थर्मोस में बना के रख देती हूँ, ताकि जब ये लोग अहमद स्कूल से आए हुरैज और जय उमर उठे तो ये लोग खा लें ब्रेड से या पापड़ों से, क्योंकि फिर पूरा दिन गैस की होती है। 2:30 बजे गैस आती है, सुबह 5:30-6 बजे जाती है लोग। आप लोग भी बताएं आपके घर गैस के क्या शेड्यूल हैं, क्या किस तरीके से जा रही है। ये हुरैज स्कूल से आए थे तो बस मैं उनको सैंडविच बना के दे रही थी। वहाँ पड़ी हुई कॉर्नर पर, वो देखो उधर 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 वो पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई थी। हटो सुबह तो यहाँ नहीं है, रुक जाओ मैं दे रही हूँ। आप आओ बाहर आओ, मैं दे रही हूँ, आओ। उस दिन रोल बनाए थे तो ये फिलिंग बच गई थी रोल की, तो बस मैंने आज सोचा कि मैं इस फिलिंग के समोसे बना लूँ, तो मैंने समोसे की पट्टियाँ मंगवा के समोसे बनाए थे। बस थोड़े से समोसे इसके बने थे, ये समोसे बन गए थे। बस अब मैं जो है अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ साथ बच्चे जो है अपने बाबा के साथ ये वीडियोस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो बस बच्चे इसमें लगे हुए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। एंड साहब मोबाइल नीचे रख के हाथ ऊपर करो, पूरे ऊपर। ये थे दही बड़ों के लिए और आलू के लिए, आलू के पकौड़ों के लिए बैटर रेडी किया, बाकी ये पालक के पकौड़ों के लिए सब्जियाँ काट के इसमें मसाला डाल दिया। अब बस बेसन डाल के मिक्स करूँगी। आज हरी मिर्ची भी फ्राई कर रही हूँ, बस मैंने इसमें चाट मसाला डाल के रखा है, एंड में बस बेसन कोट करके मैं इसको फ्राई करूँगी। ये आलू थोड़े से मैं गरम बॉईल कर लेती हूँ ताकि जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बस ये आलू बॉईल हो रहे हैं और मैं दही बड़े बनाऊँगी। आज हमारे यहाँ खाने में बन रहा है आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए मैंने अभी गोश्त धोऊंगी, भिगो के रखा है, फिर बस अफ्तारी के बाद खाना रेडी करूंगी। तो ये तो वो है दही बड़ों के लिए बना के रखा। ये मैंने पालक के पकौड़ों के बैटर रेडी कर दिया था, आलू काट के रख दिए थे, साथ साथ जो है मैं चटनी की प्रिपरेशन कर रही थी। आज मैंने खजूर की चटनी बनाई थी तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी, खजूर साफ करके उसकी गुठलियाँ अलग कर रही थी। बस फिर मैं जल्दी से इसकी चटनी बना के फ्राई करूँगी पकौड़े। अरे सब मिलके उसको मार रहे हो, बस लग जाएगी उसके। हल्के हल्के मार रहे हो ये, बस बस हटो, नहीं सुन रहे। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ।
हटो सूरज बैठ रखो। चलो खड़े हो जाओ। ये बस मैं आलू गोश्त के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी, प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक डाल के फ्राई कर रही थी। थोड़ा सा मैंने उसको सौते किया था, फिर मैंने उसमें गोश्त डाला था, गोश्त डाल के अच्छे से फ्राई किया था। जब गोश्त अपने अपना कलर चेंज कर लिया था, गोश्त हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो फिर मैंने उसमें मसाले डाले थे सारे। अब ये मैंने सालन चढ़ा दिए, बस अब हम सालन चढ़ाएंगे, गोश्त जलता रहेगा, मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। अब मैं पकौड़े बनाने जाऊँगी, 6 बज रहे हैं सब टाइम। बस अब मैं ये पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा, तेल गरम हो जाएगा तो बस मैं पकौड़े बनाऊँगी। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. कैसे बने हैं ना? अच्छा दूध पीया है? दूध पीया है। दूध नहीं है, दही है ये। आ दही ना है? है? दही। अच्छा है? चीनी नहीं डाली? ये क्या इसमें? फूटी। अम्मा को देखो कैसे तरबूज को पूरा लपेट लिया, कपड़े भी गंदे कर लिए। भाई को तो खिला दो, भाई को तो खिला दो। पूरा खा के हम कैसे खाएंगे? पूरा चाट गया। चार दिन की कसम। दोनों हाथों से खा रहा है। ठीक दे दो अहमद को। दोनों तंदे ये तो इसमें मैगी है। ये कॉसिन चाट चला है, ये भी, ये भी, ये भी। इसके अंदर मैगी है। हाँ खाओ। इसमें मैगी है। बस जल्दी से पी लो, सब पी जाएंगे आपका जूस को।
भाई बहुत मजे का है। ठंडा तो नहीं है? बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। मैं अभी आ रहा है। हां ठंडा हो गया भाई। पापा मेरा दही ठंडा हो रहा, दही खट्टा हो रहा था, मैंने दही खाया। भाई उरेश ने तो अपना जूस खत्म कर दिया भाई। अहमद, अहमद ने भी खत्म कर दिया। उमर आप तो रह गया, जाइए अपने आप गिलास रख कर आइए, प्लेट रख कर आइए, जाइए। शाबाश समेट दिया भाई। ये ले हुरेश, ये भी रख कर आ जाइए। हाँ रख कर आ जाइए। नवाब साहब आप भी कुछ रखाएं। दूध पीते रख कर आइए। हाँ ये रख लीजिए। हाँ हाँ कल पी लेना। हाँ ले जाइए। देख के गिरे हुरेश, देख के ना कांच का ये गिरे ना आराम आराम से। शाबाश, जगह देख के रखिएगा, गिराइएगा नहीं। सामने रख दो। खत्म हो गया, जाओ अपने गिलास उठाओ रख कर आओ। चलो मम्मा को बुला, दस्तरखान उठाएंगे अब। ये बस जो है सालन भुन गया था, गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था, बस अब मैं इसको भून के इसमें आलू डालूंगी। आलू मैं कट कर रही थी, साथ साथ ही मैंने आलू जो है छील लिए थे, छील के बस अब मैं इनको काट रही थी। काट के मैंने इसको सालन में ऐड करना था। सालन रेडी करने के बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और मैं सो गई थी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.